मैं अभी जेल में हूँ। समता पार्टी के साथ, समता पार्टी और जदयू जाने से पहले आप लोगों की शुभकामना। समता पार्टी और जदयू के साथ हैं, समता पार्टी और जदयू के साथ आप हैं। अब निकलने पड़ी है सबके साथ। आनंद मोहन जी का हम लोग शुरू से समाजवादी धारा के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, उस धारा से जुड़े हुए हैं और वही पड़ाव होगा, इतनी बात तो तय है। सुशील पिछले 5 तारीख को मैं 15 दिनों के पेरोल पर बाहर आया जिटिया की शादी समारोह को संपन्न करने के लिए। एक पिता के मर्ज को अदा नहीं करते, आज उसका आखिरी दिन, आज शाम 5:30 तक 6 तक मुझे वापस जाना है। इस व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद मैंने ऐसा महसूस किया कि आप सब ने जिस तरह से इसको कवरेज दिया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करूं। जो लोग आए शादी समारोह में सम्मिलित होने, दूर दराज के मेहमान लोग, उनको आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद दूं। जो लोग छूट गए अफरा तफरी में, आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के बाप का 7 दिनों में अरेंज करना, इतने बड़े समारोह को नून तेल हल्दी से लेके और सब कुछ, तो ऐसे में मानवीय चूक होना लाजमी स्वाभाविक। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे मित्र, स्वजन, परिजन, सहयोगी, सहकर्मी छूट गए हैं। आपके माध्यम से मैं उन सब से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी बात रखने के पहले चाहूँगा कि जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आपके सामने रख दूँ, फिर उसके बाद आप लोग बारे में किसी जो भी गैर राजनीतिक सवाल होंगे उस पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बेटी सुरभि आनंद की शादी समारोह में जिस तरह से आप सबने सुरभि को अपनी बेटी और बहन मानकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी, उसके लिए आपका और आपके माध्यम से समारोह में शामिल सभी स्वजनों, परिजनों, मित्रों और सहयोगियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विगत 15 फरवरी को सुरभि की शादी में आप सबों ने न सिर्फ उपस्थित होकर आशीर्वचन दिया, बल्कि अपेक्षा से अधिक जो हर प्रकार का सहयोग भी प्रदान किया, इसके लिए मेरा पूरा परिवार आपका आभारी रहेगा। मेरे अंदर रहते सिर्फ 7 दिनों में आपका जो प्यार, स्नेह और समर्थन इस शादी समारोह को मिला वो अकल्पनीय है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शादी समारोह के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी, श्री शिवानंद तिवारी जी, श्री नंद किशोर यादव जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय, पप्पू यादव जी, श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, श्री शहनवाज हुसैन, दसई चौधरी, विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, श्री अजय प्रसाद जी, श्री संतोष कुशवाहा जी,
झारखंड के वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक सरयू राय जी, उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री दयाशंकर सिंह जी, बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, आलोक मेहता जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, ललित यादव जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रीमती शीला मंडल, श्री सुमित सिंह, इसराइल मंसूरी, विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, श्री सुनील सिंह, सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, भाजपा सदन में नेता अजय कुमार कुशवाहा, माननीय विधायक पन्नालाल पटेल जी, गुंजेश्वर शाह जी, नीरज कुमार बबलू, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, श्री अरुण कुमार सिन्हा, आलोक रंजन, ऋषि कुमार जी, राजू सिंह जी, यूसुफ मोहम्मद सलाउद्दीन, राजेश सिंह, सुदय यादव, पूर्व विधायक रणधीर सिंह, पटना की मेयर श्रीमती सीता साहू सहित देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल से आए बड़ी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी इस शादी समारोह में शिरकत किया। उन्होंने अपना आशीर्वचन और शुभकामनाएं भी बेटी और दामाद राजहंस सिंह को दिया। आशा ही नहीं, विश्वास है कि नव दंपति के वैवाहिक जीवन में आप सबके अनमोल आशीर्वचन खुशियां बिखेरती रहेंगी। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आप सबों के प्रति अनुग्रहित है और एक बार फिर अपनी ओर से सादर आभार व्यक्त करता है। और जो कि नहीं मानवीय चूक की वजह से इस समारोह में आमंत्रण से छूट गए, उससे माफी मांगते हुए ये वादा करता हूँ कि आगे बेटी की सगाई और शादी में सबसे पहले उन्हें ही याद करूंगा। बेटी सुरभि और दामाद राजहंस को लेकर मीडिया में काफी भ्रांतियां रही, या कि विवाह लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, कौन कितना और कहां से पढ़ा है, क्या कर रहा है। इस बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दूं कि ये शादी दोनों परिवार की सहमति से शुद्ध अरेंज मैरिज है। सुरभि आनंद जहां टॉप 10 में शुमार, ब्राइटलैंड स्कूल और देश के नामचीन कॉलेज सिम्बायोसिस पुणे से बीबीए और एलएलबी की है, पहले दिल्ली और अब मेरे मुकदमे के कारण पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है। एक बार एडीजे की परीक्षा 2 और दूसरी बार 3 मार्क्स से उसका छूटा। मेरे पास कुछ और है, हम लोग आपको परिचय देते। तो पहले उन्होंने 2017 से अब तक श्रीराम जेठमलानी, एटीएस तुलसी और पिंकी आनंद के साथ इंटर्नशिप की। दामाद राजहंस सिंह ने सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर से अपनी शिक्षा की शुरुआत की, एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक और फिर यूपीएससी बिना किसी कोचिंग का हेल्प लिए, इंजीनियरिंग भी की और किए और यूपीएससी भी निकाला। पूर्व में मुगल सराय में आरटीएस ऑफिसर रहे और अब बहुत जल्द आप लोगों की शुभकामना और आशीर्वाद से प्रोन्नति पाकर एआरएम धनबाद। बस मुझे इतना ही कहना था। आज सबों को एक बार फिर से धन्यवाद और आभार पूरे परिवार की ओर से। आप हैं अजय कुमार सिंह जी, विश्वनाथ फार्म हाउस के मालिक हमारे अनुज, और आप हैं श्रीमती लवली आनंद पूर्व सांसद पत्नी, और इन सब का आप सबों के साथ बहुत सहयोग रहा। अगर ये लोग नहीं संभालते तो फिर इतना बड़ा आयोजन मुझसे संभव नहीं। सुरभि जी की सलाह गई कि आज चेतन जी की भी शादी जल्द होने वाली है, क्योंकि लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं चेतन जी की शादी। 24 अप्रैल को सगाई है और 3 मई को चेतन जी की शादी है, और शॉपिंग के लिए उन्होंने रवाना कर दिया कल। इधर से फ्री होते ही कल जाए पकड़ा दिया। अच्छा ये बताइए आप ये बताइए, पेरोल आपकी सजा पूरी हो गई है तो परिहार में क्या तारीख पर तारीख माने क्यों होता है, देर क्यों हो रही है परिहार में? एक आदमी का परिहार का हाँ हाँ वही से मुझसे से परिहार आखिर देर क्यों है? शादी कितने तारीख को आपकी सजा पूरी हो गई? 3 मई।
हाँ तो सजा पूरी हो गई, सजा से अधिक हमने समय बड़ी विनम्रता से शालीनता से एक पूर्व सांसद होने के नाते फ्रीडम फाइटर परिवार से नाता रखने के नाते जो लोकतंत्र और आज़ादी के लिए जिनकी बड़ी कुर्बानियां थी, हम खुद उस सदन के मेंबर रहे विधायिका और ऊपर लोकसभा के जो कानून बना, इस कानून में जो भी हो जिस भी कारण से ये सजा हुई तो हमने उसको स्वीकारा है और सजा से अधिक समय अब रह चुके हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। महाराणा प्रताप ने ये जो आपको भ्रम की स्थिति है या जो ये सवाल गूंज रहे हैं उसका भी समाधान हो। अरे कहीं ना कहीं से अड़चन फंसा दिया गया है। हाली में रैली में सब खूब नारे लगे, कोई अड़चन उड़चन नहीं है, ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री के सभा में खूब नारे लगे, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने आनंद जी के लिए क्या कुछ किया है, लवी जी साथ में है, उनकी पत्नी से पूछिए। एक बार बता दो, एक बार बताइए कि नारों से रिहाई नहीं होती, नारों से आंदोलन लोकतंत्र में नारे ये सब चलते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मन से कहा है राज्य के मुख्यमंत्री होते तो उनको अपने वचन का अपने कहे की मर्यादा का ज्ञान है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अगर कुछ कहे हैं मन से कहे हैं, सार्वजनिक मन से कहे हैं तो उस पर दृढ़ भी होंगे, उस तरफ कार्रवाई भी हो रही होगी, आप जानकारी लें। और जहां तक ये प्रश्न है कि आपको जानकारी लेना हो तो लवली जी से लीजिए, लवली जी, तो उसमें मैं कहा हूँ लवली जी से पूछ। लवली जी आपको लवली जी लगातार बात हो रही है और जल्दी आनंद मोहन बाहर रहेंगे, ऐसा उन्होंने बड़ी सभा से कहा था, तो ये तो हम लोग को भी मुख्यमंत्री जी ने बताया और हम देखे भी कि प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी ही सकारात्मक है सारी बात, बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द आ जाएंगे। मैंने आपके समर्थक प्रक्रिया में आगे बढ़े, आपके समर्थकों को शुभ समाचार जल्दी मिलेगा जी, ऐसा यकीन है। मतलब चेतन जी के शादी में पहले तो उम्मीद रखा जाए कि रिहाई का हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो साफ कह दिया है, एक गाइडलाइन दे दिया है और आपने सुना होगा, कहा कि इस देश में गांधी से बड़ा लोक सेवक कोई नहीं था और उसके हत्यारे गोपाल गोडसे को जब 14 साल के बाद असमय मुक्ति मिली तो औरों को क्यों, राजीव गांधी के हथियारों को क्यों नहीं, ऐसा करके एक डायरेक्शन दे दिया है। उसके बाद और होते हैं मामले जैसे रेप प्लस मर्डर, डकैती और हत्या है ना, टाडा अगर किसी पर करप्शन के चार्ज तो इस पर परिहार नहीं मिलता ना, पूरी अवधि जो सजा की होती है जैसे आजीवन है तो 20 साल का परिहार नहीं मिलेगा, अगर 14 साल की सजा है तो 14 साल पूरा करना, परिहार नहीं मिलेगा, ये वो छूटेंगे नहीं, ये नहीं परिहार नहीं मिलेगा। तो इस मामले में भी बिल्किस बानो के मामले में आपके सामने उदाहरण है गुजरात का, जब आप समता पार्टी में थे आनंद मोहन जी, आनंद मोहन जी आप बात हुई लंबी, क्या बात, क्योंकि उस समय वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे तो मांगलिक अवसर पर आए थे तो और क्या पॉलिटिकल बातें होंगी, अब दो पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो पॉलिटिकल वो राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके 1.5 दशक जेल में बंद रहने के बाद भी आपके समर्थक पूरा अभी मौजूद है, इसको कैसे देखते हैं? आनंद मोहन जी आप समता पार्टी में थे, अब समता पार्टी जदयू हो गया, नाम बदल गया, आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी जेल में हूँ समता पार्टी के साथ,
समता पार्टी और जदयू जाने से पहले आप लोगों की शुभकामनाएं। समता पार्टी और जदयू के साथ है, समता पार्टी और जदयू के साथ आप हैं। अब निकलने पड़ी है सबके साथ। आनंद मोहन जी जो भी फैसला राजनीति, आपके पुत्र जो राजनीति कर रहे हैं वो आरजेडी में कर रहे हैं। जी जी, तो आप मतलब पुराने जगह पर से जुड़े हैं या फिर? ये तो उदाहरण है कि आचार्य कृपलानी सोशलिस्ट थे और उनकी पत्नी अचिता कृपलानी सीएम थी कांग्रेस से वहाँ उत्तर प्रदेश की, सुचिता कृपलानी। तो ये नहीं है, वो है अभी ये मैडम भी है आरजेडी में। और जो बात है, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारा कहीं भी पड़ाव जो होगा, हमारे कुछ सीनियर मित्र यहाँ बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, अब बोले कि जो नीरज कुमार बबलू को लगा दिया गया है बीजेपी में ले जाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम लोग शुरू से समाजवादी धारा के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, उस धारा से जुड़े हुए हैं और वही पड़ाव होगा, इतनी बात तो तय है। नहीं, नीतीश जी के साथ रहेंगे आरजेडी के साथ? आनंद मोहन जी, नीतीश जी के, नीतीश जी, मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी, हमने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। और हमारी हमारा जो पारिवारिक है, व्यक्तिगत रिश्ता है, बहुत ही मजबूत है मोदी जी। उन्होंने जो महसूस किया वो रखे, पिछली बार भी नहीं आ पाए थे तो उन्होंने टेलीफोनिक वो आशीर्वाद दिया था, इस बार कहीं जाने वाले थे, उनको कहीं ये जो चुनाव के प्रांतों में आने वाले हैं उसमें लगाया गया है पार्टी की ओर से, तो पहले आकर के आशीर्वाद दिया। आप लोग समाजवादी लोग हैं लेकिन अंतोगत आप किनके साथ रहना? समाजवादी लालू यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। हमने आपके साथ देखिए, मैं पहले ही कह दिया कि आज सिर्फ पारिवारिक बात हो, ये जो विवाह संपन्न हुआ उसकी बात हो, राजनीतिक बात जब निकल जाएंगे, बैठेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, लेकिन भी तय होगा साथ किसका ज्यादा पसंद होगा, समाजवादी में लालू यादव? हमने साफ कह दिया कि हम लोग एक जगह से निकले हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं, भटक के वही रहेंगे, कहीं भी भटकन हो जेपी आंदोलन के लोग हैं, लोहिया को, आचार्य नरेंद्र देव को, चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श मानते रहे, तो कहीं भी पड़ाव तो ही नहीं, इसी के बीच में हो। एक सवाल और है, बिहार की राजनीति में इस वक्त 90-10 की सियासत हो रही है, 90-10 की चर्चा की जा रही है, आप उसमें कहाँ फिट बैठते हैं? 90% वाले लोग हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की उपज हो, पुरखों ने कुर्बानी दी, 3-3 पीढ़ियां खप गए, 700 बीघा जमीन के मालिक थे हम लोग, और बिकते बिकते कुछ सैकड़ा रह गया, तो आजादी का मंदिर होता तो कोसी में, गांधी वहां पड़ाव डालते थे, तो हम कभी हिंदू मुसलमान अगरा पिछड़ा में लोगों को बांट नहीं सकते। मेरे लिए 10 और 90 जिनका काम है उनसे पूछिए, जो बोलते हैं उनसे पूछिए, मैं 100% के लिए जिया हूँ, 100% के लिए मरूं। आनंद जी, आप अगड़ों के नेता माने जाते थे इस समय, मुख्यमंत्री के चेहरा भी थे, अभी पिछड़ों की राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, पिछड़ों पर राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि क्या बोले आप? मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के, मैं कभी अपने को मुख्यमंत्री का कोई बता दे दावेदार रहा हो, ये भी आप ही लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और बाहुबली भी आप ही लोग कह रहे हैं, कहां कोई मतभेद आपसे, कभी कोई एक आदमी बता दे जो कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई छापा हो, किया हो, लिखा हो, दिखाया हो, कभी एक आदमी मेरा कोई समर्थक भी, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। आप जो चाहिए आप आ जाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता के लिए न केवल हमारे पुरखों ने बल्कि इमरजेंसी में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तलवार लटकाया गया तो 18 साल का आनंद मोहन जेल गया आपकी आजादी के सवाल पर, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये भी हमारा उदाहरण।
है।